ये जुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, इस्लामी महीना पहला कौन सा है? मुहर्रम, और आखिरी महीना कौन सा है? जुल्हिज्जा। आप यकीन करें कि इस्लाम की इब्तदा भी कुर्बानी से होती है और इस्लाम की इंतहा भी कुर्बानी से होती है। जैसे मुहर्रमुल हराम के महीने में हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए क्या दी? जान दे दी। अब इमाम हुसैन से बढ़कर बताओ ऐसा कौन शख्स है जो इस्लाम पे अमल कर सकता हो? इमाम हुसैन से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, बताओ ऐसा इस्लाम पर अमल कर रहा है। लेकिन क्या है, फिर भी इस्लाम ने उनकी जान मांगी तो जान पेश कर दी। के इस्लाम मांग रहे, दीन मांग रहा है तो ये जान क्या है? करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा फिदा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां फिदा। जान दे दी, इस्लाम पर अमल कर रहा है। लेकिन क्या है, करबला की सरजमीन में जाकर आपको पूरा वाक्य बताए, जाकर अपना क्या है गर्दन सर दे दिया इस्लाम की खातिर। तो क्या है, ये मुहर्रमुल हराम के पहला महीना जो उसमें भी इस्लाम ने कुर्बानी दी, यानी इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, और ये आखिरी महीना जुल्हिज्जा का महीना, इसमें भी हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने लखते जिगर हजरत सैयदना इस्माइल अलैहि सलाम को कुर्बान किया, कुर्बानी दी, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है उसकी कुर्बानी दी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी कबूल कर ली, फिर वो दुम्बा आ गया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इस्लाम शुरू भी कुर्बानी से होता है और इस्लाम का एंड भी क्या होता है? कुर्बानी पर होता है। आज मैं और आपसे अपने आप से पूछ ले कि हमने इस्लाम के लिए कितना किया है? क्यों, मुसलमान तो है ना, हमसे बतकाज़े मुसलमानियत ये तो पूछा जाएगा ना कि तुमने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए, बताओ इस्लाम के लिए तुमने ऐसा कोई काम किया? और आज मैं बताऊं, इस्लाम हमसे जान नहीं मांगता। क्या है, इस्लाम हमसे जान नहीं मांगता। इस्लाम अगर तकाजा करे ना बंदे से, तीन चीजों का तकाजा करता है इस्लाम। कितनी चीजों का? तीन चीजों का। पहला, अगर इस्लाम को तुम्हारी जान की जरूरत पड़े तो इस्लाम को जान दे दो, मुसलमान अपनी जान दे दे। दूसरा, अगर इस्लाम को तुम्हारे माल पैसे की जरूरत हो तो पैसा दे दो। और तीसरा, इस्लाम को वक्त दे दो। और आज जो सबसे ज्यादा इस्लाम मुसलमानों से तकाजा करता है वो वक्त का तकाजा करता है कि आप इस्लाम को वक्त दे, इस्लाम को सीखें, इस्लाम पर अमल करें। हालांकि मुश्किल काम क्या है? जान देना, इसके बाद पैसा देना, और आसान काम है वक्त देना। लेकिन मैं और आप देख ले कि हमने इनमें से क्या दिया है।